लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 12 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो चुके हैं। अब बारी दूसरे चरण में 13 सीटों की है। राजस्थान का ये फाइनल चरण है। 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। दूसरे चरण की 13 सीटों पर 152 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी लगातार 2 लोकसभा चुनाव से क्लीन स्वीप कर रही है। इसके चलते उसके सामने फिर से सभी सीटें जीतने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस इस बार अपना खाता खोलने के लिए बेताब नजर आ रही है। राजस्थान के अंतिम और दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे भी मैदान में हैं। इसमें अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे अपने अपने बेटों को जिताने के लिए उनकी सीटों पर डेरा जमाए हुए हैं। इसके अलावा दूसरे चरण में कुछ हाई प्रोफाइल सीट ऐसी हैं जहां मुकाबला रोमांचक है। कई बड़े नामों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके चलते राजस्थान चुनाव के दूसरे चरण की सीटों पर सभी की निगाहें लगी हुई है। ऐसे में आपको दूसरे चरण की कुछ हॉट सीटों के बारे में बताते हैं जिन पर इस समय सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि राजस्थान के दूसरे चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 सीट पर वोटिंग होगी। बीजेपी इन सभी 13 सीटों पर चुनावी मैदान में है जबकि कांग्रेस 12 सीटों पर लड़ रही है। बांसवाड़ा में बीएपी की तरफ से राजकुमार रोत मैदान में है। दूसरे चरण में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी जंग है। अब बात करते हैं हॉट सीटों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जालौर सीट की, जहां से इस बार पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनावी मैदान में है। वैभव गहलोत साल 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। इस बार वैभव को जोधपुर की जगह जालौर सीट से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। बीजेपी ने पूर्व जिला अध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी पर भरोसा जताया है। जालौर सिरोही सीट पर माली समाज बड़ी संख्या में है। माली समाज के यहां 1 लाख से 1.25 लाख के बीच मतदाता हैं, जो परंपरागत बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। पिछला चुनाव कांग्रेस यहां पर 2,61,000 वोटों से हारी थी। इस बार ये तय है कि वोट तो बटेंगे, लेकिन सवाल यह है कि कितने। दूसरी हाई प्रोफाइल सीट है झालावाड़, जहाँ से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह 5वीं बार मैदान में है। वो 4 बार सांसद रह चुके हैं। दुष्यंत के सामने इस बार भी मुकाबला करने वाला मजबूत प्रत्याशी नहीं है। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रमोद भाया जैन की पत्नी उर्मिला चुनावी मैदान में है। वसुंधरा के चुनावी प्रचार की कमान संभालने के बाद झालावाड़ इलाके में कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ गई है। ये इलाका वसुंधरा राजे का मजबूत गढ़ माना जाता है। वसुंधरा ने जब से सियासत में कदम रखा है, कांग्रेस तब से लेकर अभी तक यहां पर सेंधमारी नहीं कर पाई है। बाड़मेर लोकसभा सीट राजस्थान की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। इसके पीछे वजह है यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रविंद्र सिंह भाटी। भाटी के नामांकन से लेकर रैलियों तक जिस तरह की भीड़ जुट रही है, उससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए टेंशन बढ़ गई है। यहां बीजेपी से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने इस सीट पर उमेदा राम मेनीवाल को उम्मीदवार बनाया है। उमेदा राम की भी यहां अच्छी पकड़ है। ऐसे में रविंद्र भाटी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। जोधपुर लोकसभा सीट राजस्थान की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, जहां मुकाबला एक तरफा नहीं बल्कि करीबी है। जोधपुर सीट पर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं। शेखावत यहां से 2014 और 2019 में भी जीत दर्ज कर चुके हैं। पिछली बार उन्होंने प्रदेश के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराया था। इस बार कांग्रेस ने यहां से करण सिंह उजियारडा को टिकट दिया है। करण सिंह भी गहलोत की तरह राजपूत समुदाय से आते हैं, जिसके चलते बीजेपी के लिए टेंशन बने हुए हैं। कोटा लोकसभा सीट भी हाई प्रोफाइल सीटों में एक है। यहां से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बीजेपी ने लगातार तीसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया है। ओम बिरला ने पिछले 2 चुनावों यानी 2014 और 2019 में अच्छे खासे वोटों से जीत दर्ज की, लेकिन इस बार जीत इतनी आसान नहीं मानी जा रही है। ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को उतार रखा है। प्रहलाद चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। गुंजल गुजर समुदाय से आते हैं। इतना ही नहीं, गुंजल किसी समय ओम बिरला के विश्वस्त माने जाते थे, लेकिन बदली सियासी परिस्थितियों के चलते अब वह बिरला को ही चुनौती दे रहे हैं। वहीं बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर भी मैदान में है। प्रत्याशी की मौजूदगी के बावजूद अब कांग्रेस का एक धड़ा बीएपी प्रत्याशी राजकुमार रोत के समर्थन में वोटिंग करने की अपील कर रहा है। हालिया विधानसभा चुनावों में राजकुमार रोत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बाद सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक बने हैं। बीजेपी पहले से ही राज्य में आदिवासियों के बीच अपने घटते जनाधार को लेकर चिंतित थी। जिस तरह राजकुमार रोत ने बांसवाड़ा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों परेशान है। तो दूसरे चरण की ये कुछ अहम सीटें हैं जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है।
वहीं पहले चरण की वोटिंग में काफी कम मतदान हुआ था, तो दूसरे चरण के मतदान के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा दम लगाया है।